पूर्णिया के केहार थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड भानु चौक के समीप बीती रात जमकर गोलियां बरसी और एक व्यक्ति को गोली भी लग गई। गोली मारने का आरोप नेवालाल चौक के समीप भादो टोला के रहने वाले प्रमोद सिन्हा, मृत्युंजय गुप्ता और उनके गैंग के लोगों पर लगाया गया है। इस संदर्भ में मोहम्मद सयूब ने बताया कि वे लोग भानु कंपनी बस स्टैंड के समीप चाय पी रहे थे। इसी क्रम में फोर व्हीलर से प्रमोद सिन्हा, मृत्युंजय गुप्ता पहुंचे और गाली गलौज मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर पिस्टल निकालकर गोलियां बरसानी भी शुरू कर दी गई। वे लोग वहां से भागे, किंतु एक गोली महबूब खान टोला निवासी मोहम्मद साजिद को लग गई। उनका उपचार पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मोहम्मद सयूब ने बताया कि प्रमोद सिन्हा पर रंगदारी, धमकी और पिस्टल लहराने का कई मुकदमा दर्ज है। उनका पिस्टल लहराता हुआ वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, किंतु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि प्रमोद सिन्हा न केवल रंगदारी करता है बल्कि कई थानों में दलाली भी करता है, जिसके कारण पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाते रहती है और उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि किसी भी समय कहीं भी किसी पर गोलियां बरसा देता है। प्रमोद सिन्हा हमेशा अवैध हथियार लेकर चलता है, किंतु पुलिस कभी जांच पड़ताल नहीं करती है। रंगदारी वसूलने के लिए प्रमोद सिन्हा दहशत फैला रहा है। यह घटना देर रात्रि करीब 11 से 12 बजे के बीच घटी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मोहम्मद साजिद को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि मामले के पीछे कोई मूल वजह है। ऐसे ही ये घटना नहीं घट सकती है, किंतु इसके पीछे मूल वजह है क्या, यह बात खुलकर सामने नहीं आई है। हम लोग भानु चौक पे चाय पी रहे थे, तो चाय पी के जस्ट घर ही निकल रहे थे, तो उसी के दौरान जैसे हम लोग घर निकल रहे थे, देखे एक नेक्सॉन कार वहाँ पे लगा और एक गाड़ी था वो आगे बढ़ा, तो जिसमें प्रमोद सिन्हा और ये मृत्युंजय गुप्ता, सेवक सोनू, शेख अरशद और शाहिद है मिल्की के, जिसमें प्रमोद सिन्हा आया, पहले मारपीट शुरू किया, उसके बाद पिस्टल निकाला, हम पे दो तीन गोली चलाया, हम भाग गए। उसके बाद फिर ये लोग पे अंधुन गोली चलाया है, साजिद पे वो गोली लगा, फिर हमको फ़ोन किया कि गोली लग गया, हम तो अपना जान बचा के किसी तरह वहाँ से भागे हैं। क्यों चला, क्या विवाद पहले से था आप लोग? नहीं, कोई विवाद नहीं है। ऐसे बाहुबली वो पूर्णिया में दहशत देना चाह रहा, हम क्रिमिनल, हम साथ में डरे, ऐसे किसी पे गोली चला, किसी पे उसका काम ही है, उसका इतिहास जाकर देख लीजिए ना, कई थाना उसका केस है, वो प्रशासन को ही पता है। कुछ दिन पहले भी वो मुफस्सिल थाना में भी वो घटना ही अंजाम दिया, जमीन पर जाके गरीब का जमीन बेचारता है, वो लोग टीम बना के, ये लोग का टीम है, ये जमीन का ब्रोकर है, गरीब का जमीन पे शोषण करता चढ़ता हथियार के बल पे, ये लोग का टीम है, ये लोग ये काम ही करता है। कितने बजे घटना है? घटना वही लगभग 11 बजे की घटना है। हमसे कोई जमीन का विवाद नहीं है, गोली चलाने लगा कोई बात आया, हमसे गाली उली दिया, उसके बाद लाठी चलाया, उसके बाद पिस्टल निकाला, हम पे दो तीन गोली चलाया, हम बचा, अपना जान बचा के भागे, जिसमें ये साजिद था और एक दो लोग थे, अंधुन से गोली चलाया तो साजिद नहीं भाग पाया, ये आगे फरन पकड़ा गया, इसको गोली मारा हुआ। कहाँ पे घटना हुआ? भानु चौक पे। कितना बजे घटना? 11 बजे का। हम तो प्रशासन से ही बोलेंगे जो भी क्रिमिनल है इसको जल्द से जल्द इसको न्याय सजा मिले और इसमें न्याय मिले। एक गोली कई राउंड वो गोली चलाया, अंधुन गोली चलाया वो। जिनको गोली लगा उसका क्या नाम है? साजिद नाम, वो संसदीय कार्यकर्ता, हम भी संसदीय कार्यकर्ता है, महबूब खान टोला। आपका क्या नाम? मेरा नाम सयूब आलम, संसद जी का कार्यकर्ता हम। श्री बालाजी एजेंसी, NH-31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स,
वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।